हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं डिटॉक्स योर स्टमक नेचुरली। हम अपने स्टमक को बाय द हेल्प ऑफ नेचर की हेल्प से कैसे डिटॉक्स करें, क्योंकि अगर हमारा स्टमक डिटॉक्स होगा, डिटॉक्स का मतलब होता है कि अपने स्टमक को साफ करना। जैसे हम अपने घर में सफाई रखते हैं तो क्या होता है, हमारा घर उतना ही अच्छा लगता है। इसी तरीके से बॉडी के हर एक ऑर्गन को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने तो वीडियो बनाई है किडनी पे भी, किडनी को कैसे डिटॉक्स करें और अपने लीवर को कैसे डिटॉक्स करें, इस पर तो बहुत सारी वीडियो है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक यूनिक चीज़, आज हम आपको बताएंगे अपने स्टमक को कैसे डिटॉक्स करें। स्टमक को डिटॉक्स करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा। आप खाना खाते हैं, जैसे ये हमारा मुँह, ठीक, मुँह से खाना, हमारे मतलब खाना आपने मुंह में डाला तो फूड को क्या किया, प्रॉपरली चबाया, और उसके बाद फूड जो है ईसोफेगस से मीन्स हमारे फूड पाइप से किस में जाता है, हमारे स्टमक में ही तो जाता है। फिर स्टमक से क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं क्या करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आपका डाइट एक हेल्दी और बैलेंस डाइट नहीं होगा, डेली आप ऑयली चीज़ें, स्ट्रीट फूड, ये सब चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो क्या आपका स्टमक फिट रहेगा? कभी नहीं रहेगा। हमेशा आपको स्टमक से प्रॉब्लम होगी, कभी ना कोई बीमारी होगी ही होगी। इसीलिए अगर आप पैक्ड फूड आइटम, बेकरी प्रोडक्ट, ऑयली चीज़ें, सभी चीज़ों को खाना छोड़ देंगे, आपका स्टमक हमेशा फ्रेश रहेगा। क्योंकि खाना हमारे स्टमक में ही जाता है, हमारे स्टमक में ही जो कुछ होना होता उसी के अंदर होता है। अगर वही नहीं फिट होगा तो आप कैसे, आपका फूड डाइजेस्ट होगा, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज बताएंगे आपको कुछ ऐसे स्टेप्स, उन्हें फॉलो करिए ताकि आप अपने स्टमक को भी डिटॉक्स कर सकें। बॉडी को डिटॉक्स करना, लीवर को डिटॉक्स करना, किडनी को डिटॉक्स करना, कुछ ना कुछ तो सबको पता हो क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है स्टमक को डिटॉक्स करना। तो केयरफुली सुनिए ताकि पता चले आपको कि अपने स्टमक को कैसे डिटॉक्स करें। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अगर आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक दिन में जो है 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए, कितना, 3 से 4 लीटर। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, आपका बॉडी, आपकी होल बॉडी, आपका स्टमक उतना ही ज़्यादा डिटॉक्स होगा। कैसे, जो लोग ज़्यादा पानी पिएंगे उन्हें ज़्यादा पसीना होगा, जिन्हें ज़्यादा पसीना होगा मतलब बॉडी के अंदर की जो भी गंदगी है सब बाहर आ रही है, और हमारा स्टमक भी क्या हो रहा है, साफ़ हो रहा है। जैसे आप किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए अगर आप कपड़े से पोंछते हैं, वो चीज़ उतनी अच्छे से नहीं साफ़ होती, लेकिन आप पानी डाल देते हैं वो चीज़ और अच्छे से साफ़ हो जाती, और उसी पे अगर आप गर्म पानी डाल देते हैं और अच्छे से साफ़ हो जाती। इसीलिए डेली मॉर्निंग में सोकर उठिए, सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से करिए, गर्म पानी पीजिए, फ्रेश होइए, फिर जाइए योगा एक्सरसाइज करके आइए, आप पूरा दिन उसके बाद नॉर्मल पानी पीजिए। रूम टेम्परेचर वाटर पीना है, ना कि फ्रिज का पानी पीना है। तो जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपका स्टमक उतने अच्छे से डिटॉक्स होगा। तो अपने स्टमक को डिटॉक्स करने के लिए यूज़ और ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी से कोई भी दूरी नहीं बनानी, खाना एक बार कम भी हो जाए पानी नहीं कम होना चाहिए, खासकर गर्मियों में। और ठंडियों में कोशिश करिए, अगर 4 लीटर नहीं हो पा रहा तो 3 लीटर, नहीं तो 2 से 3 लीटर, इतना पानी तो होना ही होना चाहिए ठंडियों में भी। क्योंकि ऐसा नहीं कि ठंडी में बॉडी को पानी नहीं चाहिए, हाँ थोड़ी सी कम चाहिए लेकिन चाहिए तो, और गर्मियों में सबसे ज़्यादा चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड ना हो। इसलिए अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड करने के लिए आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे आपकी बॉडी के लिए उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है वो है यूज़ रॉक सॉल्ट। आप कौन सा नमक यूज़ करना, सेंधा नमक यूज़ करना, कौन सा रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट यूज़ करना है, रॉक सॉल्ट यूज़ करिए या फिर आप ब्लैक सॉल्ट का यूज़ करिए, लेकिन आपको टेबल सॉल्ट नहीं यूज़ करना है। इन दोनों में से किसी भी नमक का यूज़ करिए लेकिन टेबल सॉल्ट नहीं यूज़ करना। तो अगर आप रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको कभी भी स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने स्टमक को क्या कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। और कम से कम नमक खाना है,
अगला जो है वो है फाइबर रिच फूड या फिर फाइबर रिच फूड्स का यूज़ करें। ऐसा फूड आइटम यूज़ करिए, ऐसा फूड्स यूज़ करिए जिसके अंदर हाई अमाउंट में फाइबर हो। जैसे एग्जांपल में सपोज आप अगर लेमन यूज़ करें उसके अंदर भी हाई अमाउंट में फाइबर, आप आमले का यूज़ करें उसके अंदर भी हाई अमाउंट में फाइबर होता है, और अगर हम इसमें फूड की बात करें तो जितने भी होल ग्रेन्स होते हैं, होल ग्रेन्स मतलब मिलेट्स, बार्ले, ओट्स और जो जौ होते हैं इन सब के अंदर, और ब्राउन राइस, इन सब के अंदर हाई अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इन सब से किसी भी एक चीज़ का यूज़ करते हैं तो आपको फाइबर मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा फाइबर रिच फूड यूज़ करेंगे आपका स्टमक उतना ही अच्छे से डिटॉक्स होगा। इसीलिए अपने स्टमक को डिटॉक्स करने के लिए यू हैव टू यूज़ अ फाइबर रिच फूड। नेक्स्ट इज लेमन प्लस हनी। आप नींबू के साथ शहद का यूज़ करिए। नींबू और शहद को अगर आप खाते हैं, यूज़ कर रहे हैं, उससे भी आपका लीवर डिटॉक्स होता है। अगला जो है वो है फ्रेश जूस। दिन में एक बार, मतलब दिन में दो बार, एक तो आप किसी वेजिटेबल का जूस पी लीजिए दिन में एक बार कभी भी, और दिन में एक बार कभी भी आप किसी भी फ्रूट्स का जूस पी लीजिए। मतलब दो जूस आपको डेली पीना है। अगर आप दो जूस डेली पीते हैं तो आपका लीवर क्या हो रहा, आपका स्टमक भी डिटॉक्स होगा, आपका लीवर भी डिटॉक्स होगा, आपकी होल बॉडी डिटॉक्स होगी। नेक्स्ट इज हर्बल टी। हर्बल टी का मतलब उसमें आपको ये जो वाइट ग्रास होता है उसे डाल लीजिए, तुलसी की पत्ती डाल लीजिए, और भी बहुत सारी पत्तियां होती हैं उसे डालकर चाय बनाई जाती है। यहाँ तक बहुत लोग तेज पत्ता डालकर चाय बनाते हैं, और उसमें आप दालचीनी डाल लीजिए, लाल मिर्च, काली मिर्च, और आप उसमें अदरक डाल लीजिए और उसमें गुड़ डाल लीजिए। इस प्रकार की चाय बनाकर पीजिए, चीनी नहीं डालना है, गुड़ डाल के। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली डालकर चाय बनाकर पीते हैं तो उससे भी आप अपने स्टमक को क्या कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं। और अगर आप चीनी वाली चाय पीते हैं तो आप अपने स्टमक की बीमारी बढ़ा रहे हैं, ना कि स्टमक को डिटॉक्स कर रहे हैं। इसलिए चीनी छूनी ही नहीं है। अगला जो है वो है जिंजर वाटर। जिंजर वाटर मतलब आपको अदरक का पानी पीना। अदरक का पानी पीने का मतलब अदरक को प्रॉपरली ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड जब आप कर लेंगे तो उसे जितना पानी आप पी सके, मतलब जैसे एक कप पानी पी सके तो एक कप ले लीजिए, दो कप पी सके तो दो कप, वैसे तो एक कप सभी पी पाएंगे, तो एक कप पानी लीजिए, चायदानी में उस पानी को डाल लीजिए जो आपने अदरक को ग्राइंड किया, उस अदरक उसमें डाल दीजिए। जब आप 2 से 3 मिनट उबालेंगे तो उसके अंदर का जो अदरक का रस होगा वो पानी के अंदर अच्छे से निकल जाएगा। बस एक घोट पानी बचेगा, खड़ाक से उसे पी लीजिए। इस तरीके से अगर आप अदरक वाला पानी पीते हैं तो आपका स्टमक पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाएगा, क्योंकि अदरक के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर कहीं पे भी स्टमक में सूजन हो भी रही होगी या स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, वो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आपका स्टमक हमेशा हेल्थी रहेगा। अगला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, टेक स्टार्च। मतलब आपको स्टार्च फूड भी यूज़ करने हैं। स्टार्च किसके अंदर होता है, स्टार्च मतलब वही कार्बोहाइड्रेट चावल के अंदर और पोटैटो के अंदर, दो चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है। तो आपको स्टार्च भी यूज़ करना है। अगर आप स्टार्च रिच फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं तो इससे भी आपका स्टमक डिटॉक्स होता है। नेक्स्ट इज यूज़ प्रोबायोटिक फूड। आपको ऐसे फूड का यूज़ करना जो प्रोबायोटिक हो। मतलब आपको कर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, और छाछ का यूज़ कर सकते हैं, मट्ठे का यूज़ कर सकते हैं, मतलब इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप डेली दही खाते हैं, ये एक प्रकार का फर्मेंटेड फूड है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, खासकर आपके स्टमक के लिए। जैसे कभी भी स्टमक में कोई प्रॉब्लम होती है, या हमारा लूज़ मोशन होता है, या पेट में दर्द होता है, या पेट में कोई प्रॉब्लम होती, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप क्या यूज़ करिए, दही यूज़ करिए। और दही यूज़ करने से सच में सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, और एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, जो हमारे स्टमक को क्या करता है, फिट एंड फाइन रखता है। इसके अंदर विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, जो स्टमक की जितनी भी कोई भी खतरनाक, किसी भी प्रकार की खतरनाक बीमारी हो सबको ठीक कर देता है। इसीलिए अपने स्टमक को फिट एंड फाइन रखने के लिए आप डेली दोपहर में एक कटोरी दही जरूर खाइए, हमेशा आपका स्टमक फिट एंड फाइन रहेगा। अगला जो है वो है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन आपको क्या करना है, व्रत रखना है। व्रत रखिए और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जूस और फ्रूट्स और ज़्यादा पानी, बस इतने का यूज़ करिए।
बस इन्हीं चीज़ों का यूज़ करिए, खाना वाना खाना ही नहीं है। इससे क्या कर सकते हैं आप अपने स्टमक को डिटॉक्स कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन तो अपनी बॉडी को आराम दीजिए, डेली तो वो काम कर रही है, डेली तो आप जो खा रहे हैं वो चीज़ को पचा तो रही है, लेकिन एक दिन तो उसको रिलैक्स अगर आप देंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। मैंने बताया है, एक वीडियो बनाई उसमें बताया है कि आप अपनी होल बॉडी को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं एक दिन की फास्टिंग करके। क्या खाना है सब वहाँ बताया, आप जाकर वहाँ सुन सकते हैं, आपको पता चलेगा एक दिन की फास्टिंग करके हम अपने लीवर को और अपने स्टमक को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। अगला जो है वो है पिपरमिंट भी यूज़ करना चाहिए अपने स्टमक को डिटॉक्स करने के लिए। लास्ट है वो है हींग। अगर आप एक चुटकी हींग और खाना खाने के बाद थोड़ा सा पानी, मतलब बस इतना पानी लेना कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इतना ही पानी लेना है कि वो हींग अंदर चला जाए, तो हींग खा लीजिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अगर आप डेली हींग खाते हैं खाना खाने के बाद, कभी भी आपका मतलब डाइजेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, आपका स्टमक भी डिटॉक्स होगा। बस ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, मुश्किल से ये होंगे 10 से 12 स्टेप हैं, इनको फॉलो करिए और अपने स्टमक को बाय द हेल्प ऑफ नेचर की हेल्प से डिटॉक्स करिए, ताकि आपको कभी भी स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए और अपने डाइट को मेंटेन कर लीजिए। एक आपका हेल्दी डाइट होना चाहिए, आपको कभी भी स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन स्टेप को फॉलो करिए, हमेशा फिट एंड फाइन रहिए, हमेशा डिजीज फ्री रहिए। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुँचा दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले हम अपने स्टमक को कैसे डिटॉक्स करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।